नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, एक बहुत बड़ा अपडेट, बहुत बड़ा परिवर्तन एनसीटी ने किया है। जो छात्र टीचिंग के फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते थे, एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। चलिए मैं वो परिवर्तन आपको बता देता हूँ। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर एक एजुकेटर भी हूँ, जहाँ पर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब की प्रिपरेशन आप छात्रों को निःशुल्क कराई जाती है। साथ साथ स्टडी मटेरियल भी आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे फॉलो करने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर आप क्लिक करके मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे द्वारा बनाए गए कोर्सों से बिल्कुल निःशुल्क लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये रही वो बड़ी अपडेट जो कि आपके लाइव हिंदुस्तान डॉट कॉम जो न्यूज़पेपर है, उनकी वेबसाइट पर शिक्षक बनने को बीएड डीएलएड की जगह अब आईटीईपी कोर्स, फिलहाल बीएड और डीएलएड चलता रहेगा। फिलहाल जो अभी रनिंग में है वो चलता रहेगा, लेकिन भविष्य में इसकी जगह आईटीईपी कोर्स ले लेगा। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ये क्या चीज़ें हैं। देखिए, यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है, सरकारी स्कूल में अध्यापक बनना चाहते हैं तो अब आपको बीएड या डीएलएड जैसे कोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी ने दो नए कोर्स लॉन्च किए हैं, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम आईटीईपी कोर्स 4 साल का होगा। एनसीटी ने एक नोटिफिकेशन जारी कर 2019 और 23 जो आपका 4 साल का कोर्स होगा, 2019 से 23 के लिए आईटीईपी कोर्स संचालित करने का के इच्छुक शिक्षण संस्थानों से ऑनलाइन आवेदन मंगाए हैं। संस्थान 3 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बिहार आपका यहाँ पे एक और घटनाक्रम हुई है, बीएड रिजल्ट। बिहार में विश्वविद्यालयों को बीएड रिजल्ट मार्च में निकालने का निर्देश। अब तक प्री प्राइमरी से प्राइमरी स्तर की कक्षाओं में पढ़ाने के लिए डीएलएड जरूरी था, वहीं अपर प्राइमरी से सेकेंडरी स्तर तक स्कूलों में अध्यापन कार्य के लिए बीएड करना अनिवार्य था, लेकिन अब एनसीटी 4 वर्ष इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, इसका मतलब यह है कि प्राइमरी या फिर अपर प्राइमरी और इंटरमीडिएट में पढ़ाने के लिए अभ्यर्थियों को अब बीटीसी, ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, डीएसएड या फिर बीएड का कोर्स नहीं करना पड़ेगा। अगर कैंडिडेट ने 4 साल का इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम पूरा कर लिया तो उसके लिए टीटी, एसटीटी या स्टेट लेवल के अन्य टेस्ट क्लियर करने के टीचर बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। और ये देखिए, नोटिस भी निकली हुई है, तो इस पेज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दूँगा, वहाँ पर जाकर विजिट करके आप पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ लेंगे। और यहाँ पर देखिए, दो प्रकार के आईटीईपी कोर्स जो आपके होंगे। पहला तो देखिए क्या लिखा है, प्राइमरी से प्राइमरी तक पढ़ाने के लिए होगा, ये देखिए लिखा हुआ है साफ साफ, प्राइमरी से प्राइमरी पढ़ाने के लिए होगा। जबकि दूसरा कोर्स अपर प्राइमरी से सेकेंडरी स्तर तक के पढ़ाने के लिए होगा। दोनों ही पाठ्यक्रमों की अवधि 400 वर्ष की होगी, इनमें 12वीं के बाद दाखिला मिलेगा। इन पाठ्यक्रमों के लिए ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो ये दोस्तों बड़ी अपडेट थी आप छात्रों के लिए, बहुत ही जरूरी जानकारी जो टीचिंग के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, अध्यापक बनना चाहते हैं। तो दोस्तों, ऐसे लेटेस्ट अपडेट, सरकारी जॉब के लेटेस्ट अपडेट मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और मैक्सिमम इसको शेयर करिए, ताकि अन्य छात्रों को भी इसकी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।